दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। दोस्तों, हमारी दुनिया कई अज्ञात रहस्य और अजूबों से भरी पड़ी है। अब तक तो आप दुनिया की कई खतरनाक चट्टानों, गुफाओं और जंगलों तक जा चुके होंगे, लेकिन इन सब से हटकर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप कभी ज्वालामुखी के अंदर गए हैं, तो आप में से अधिकतर लोग यही सोचेंगे कि भला ज्वालामुखी के अंदर भी कोई जा सकता है। तो जवाब है हाँ, बिल्कुल जा सकता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक ऐसी ज्वालामुखी पर्वत से रूबरू करवाएंगे जिसके अंदर तक यानी मैग्मा चेंबर तक जा पाना बिल्कुल मुमकिन है। तो आइए दोस्तों, इस ज्वालामुखी पर्वत के बारे में हम विस्तार में जानते हैं। हम बात कर रहे हैं आइसलैंड देश में मौजूद द थ्री पीक ग्रेटर ज्वालामुखी के बारे में, जिसे वहाँ की लोकल भाषा में थ्रिनुकागिगुर भी कहा जाता है। ये केवल पूरे आइसलैंड में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी ज्वालामुखी है जिसके मैग्मा चेंबर तक आराम से पहुंचा जा सकता है। इस ज्वालामुखी की खोज 1974 में एक केव एक्सप्लोरर डॉक्टर अर्नी स्टेफनसन ने की थी। उनकी इस खोज के बाद पता चला कि पिछले 4000 सालों से यहाँ एक भी ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुआ है और ना ही आगे कोई विस्फोट होने की संभावना है। ये ज्वालामुखी अपने आप में ही एक रहस्य है, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार विस्फोट होने के बाद जब ज्वालामुखी शांत होती है तो उसका लावा ज्वालामुखी के मैग्मा चैम्बर तक पहुंचकर ठंडा होकर पत्थर बन जाता है, जिससे ज्वालामुखी के अंदर प्रवेश करने का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन आइसलैंड की इस ज्वालामुखी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसके पीछे क्या कारण है, ये वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। ये ज्वालामुखी 400 फीट गहरी है और 2012 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। शुरुआत में इस ज्वालामुखी में लोग रस्सी के सहारे उतरा करते थे, लेकिन अब यहाँ पर्यटकों के लिए लिफ्ट लगा दी गई है, जिससे यहाँ आना पहले से काफी आसान हो चुका है। अब यहाँ पर्यटकों के लिए रोशनी का भी इंतजाम कर दिया गया है। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि 400 फीट गहरी इस ज्वालामुखी में सूरज की रोशनी पड़ना लगभग ना के बराबर है, जिस कारण यहाँ का तापमान 5 से 6 डिग्री तक रहता है और यहाँ का मौसम भी बहुत ही सेंसिटिव है। कब बदलता है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वैज्ञानिक ये पता लगाने में जुटे हुए हैं कि क्या ये जगह इंसानी जीवन के लिए ठीक है या नहीं। उम्मीद तो इसी बात की है कि अगर इस दुनिया में कोई दुर्घटना हो जाए तो ये जगह इंसानों के लिए सुरक्षित हो। यहाँ आने पर आपको ऐसा लगेगा कि आप एक अलग ही दुनिया में आ चुके हैं। यहाँ चारों तरफ रंग बिरंगे लाल पीले पत्थर देखने को मिलते हैं, जिनकी खूबसूरती को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये ज्वालामुखी अंदर से कितनी विशाल है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर अमेरिका की 305 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ लिबर्टी और ब्राजील में मौजूद जीसस क्राइस्ट की विशाल मूर्ति या फिर इजिप्ट का ऐतिहासिक स्थल द स्फिंक्स आसानी से इसमें समा सकते हैं। अब दोस्तों, हम आपको ये बताते हैं कि इस ज्वालामुखी तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ये ज्वालामुखी आइसलैंड की राजधानी रिकजेविक में स्थित है। इसके बेस कैंप तक पहुंचने के लिए आपको 40 से 45 मिनट का सफर लावा की पथरीली जमीन पर पैदल तय करना पड़ेगा। वहां पहुंचने पर आपको सेफ्टी इक्विपमेंट्स दी जाएंगी, जैसे कि वाटरप्रूफ जैकेट और हेलमेट। इनके साथ आपको कुछ गर्म कपड़े भी ले जाने होंगे, जिन्हें पहनने के बाद आपको एक गाइड के साथ लिफ्ट के जरिए ज्वालामुखी के अंदर की दुनिया में ले जाया जाएगा, जिसमें 6 से 7 मिनट का वक्त लगता है। लेकिन आपको पूरी तरह सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपके लिए या किसी और के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। और साथ ही साथ आपको यहाँ के किसी भी पत्थर को छूना या ले जाना सख्त मना है, क्योंकि ये ज्वालामुखी अंदर से जितनी खूबसूरत दिखती है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी है। यहाँ आने के बाद आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ के गाइड्स हमेशा आपके साथ ही होंगे।
इस ज्वालामुखी का टूर हर साल मई के महीने से अक्टूबर तक लगता है, जिस बीच आप यहां आकर इसकी सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। यहां ठहरने के लिए आपको इस ज्वालामुखी के 8 से 20 किलोमीटर के दायरे में कई होटल्स मिल जाएंगे, जहां से अगले दिन आप टैक्सी से यहां पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि यहां आने से पहले आपको अपना मेडिकल चेकअप करवाना होगा। अगर आप जोड़ों के दर्द या फिर दिल की बीमारी से पीड़ित हैं तो ये जगह आपके जाने के लिए ठीक नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को भी यहाँ लाना चाहते हैं तो उनकी उम्र कम से कम 12 साल होनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको यहाँ आने का मन जरूर करता होगा। मैं तो यही कहूँगा कि अगर तकदीर इजाजत दे तो आपको एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए और भगवान की बनाई हुई कुदरत का नज़ारा जरूर देखना चाहिए। अगर आप भी इस ज्वालामुखी के बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।